विश्व संवाद केंद्र यानी पूर्वी विदर्भ प्रमंडल द्वारा देववर्षी नारायण जयंती पत्रकार सम्मान 2023 की घोषणा की गई है। मंगलवार 13 जून 2023 को देववर्षी नारायण जयंती पत्रकार सम्मान समारोह दोपहर 2 बजे चिटनविस केंद्र सिविल लाइंस में आयोजित किया जाएगा। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई है। संचार के क्षेत्र में नारद मुनि के उत्कृष्ट योगदान को याद करते हुए विश्व संवाद केंद्र ने नारद जयंती के शुभ अवसर पर इस क्षेत्र में उल्लेखनीय और सकारात्मक कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित करने की प्रेरक पहल की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम कई वर्षों से विश्व संवाद केंद्र नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। पुरस्कार चयन समिति में विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाठक, राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के प्रमुख डॉक्टर मोइन हक, प्रसिद्ध उद्यमी विलास काले, वरिष्ठ पत्रकार विनोद देशमुख, विश्व संवाद केंद्र के प्रमुख अतुल पिंगले, वरिष्ठ पत्रकार कार्तिक लोखंडे, वरिष्ठ पत्रकार अमर काने और जनसंपर्क विशेषज्ञ मंजुषा जोशी मुख्य रूप से शामिल होंगे। देवर्षि नारद जयंती पत्रकारिता सम्मान समारोह विश्व संवाद केंद्र नागपुर की ओर से प्रतिवर्ष दिया जाता है। गत 14 वर्षों से यह पुरस्कार विदर्भ के पूर्व विभाग पूर्व विदर्भ में और पत्रकारों का चयन करते हुए उनको दिया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार प्रिंट मीडिया मुद्रित माध्यम इसमें चंद्रपुर के वार्ताहर सीनियर वार्ताहर संजय जी रामगरिवार दैनिक तरुण भारत के इनको दिया जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया दृक्श्राव्य माध्यम से एबीपी माझा नागपुर के रजत वशिष्ठ जी को यह पुरस्कार की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। वैसे ही छाया पत्रकारिता फोटो जर्नलिज्म से लोकमत में कार्यरत विशाल महाकालकर जी को भी यह पुरस्कार की घोषणा मैं आज करता हूँ। इस वर्ष से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस नाते से पुरस्कार देना हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें जिनके अच्छे फॉलोअर्स है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, वो अच्छे राइटर भी है, ब्लॉगर भी है, कैसे निखिल चंदवानी जी इनको यह पुरस्कार से पुरस्कृत करने वाले हैं। एनबीसी न्यूज़ के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।